हेलो फ्रेंड्स, आई मुस्तफ़ा, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे कि कैसे आप अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक कर सकते हो। पैन कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक करना मैंडेटरी हो गया है। हो सकता है बहुत से लोगों ने ऑलरेडी अपने पैन को आधार कार्ड से लिंक कर रखा हो। इनकेस अगर कुछ लोगों ने नहीं किया तो वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्प करेगा। कुछ लोग बताते भी हैं कि अगर आपने अपना पैन कार्ड आधार कार्ड के साथ लिंक नहीं किया तो आपका जो पैन कार्ड है डीएक्टिवेट हो जाएगा या क्लोज हो जाएगा। बट ऐसा नहीं है, ये एक परमानेंट अकाउंट नंबर है, ये दोबारा नहीं बनता। ये आपका परमानेंट अकाउंट नंबर है, क्लोज़ नहीं होगा। आपको जो हो सकता है दिक्कतें ये उठानी पड़ सकती है, जैसे भी कि जो आप बैंक में लेन देन करते हो 50,000 से ऊपर, तो उस टाइम आपको पैन कार्ड की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह की प्रॉब्लम हो सकता है आपको फेस करना पड़े बैंक में 50,000 से ऊपर के लेन देन के अलावा। आप अपने पैन कार्ड से ये सारे काम कर सकते हो, जैसे आपको अगर वोटर आई डी कार्ड अप्लाई करना हो या करेक्शन कराना हो वो आप कर सकते हो, DL वगैरह अप्लाई करना हो वो आप कर सकते हो, नया बैंक अकाउंट आपको ओपनिंग कराना हो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो फ्रेंड, आपको पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो आपके पैन कार्ड पे डिटेल है सेम डिटेल आपके आधार कार्ड पे भी होना चाहिए, तभी जाके इजीली ये लिंक होता है। फ्रेंड्स, आप लोगों के साथ एक चीज़ और शेयर कर दूँ कि जो पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने का प्रोसेस जो गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है, ये बेसिकली इसलिए किया है कि पहले लोगों के पास 3 से 4 पैन कार्ड हुआ करते थे और वो इन पैन कार्डों से काफ़ी मिसयूज़ या फ्रॉड वगैरह किया करते थे। तो अब जो पैन कार्ड को अपने आधार कार्ड से लिंक करोगे वही वाला पैन कार्ड आपका एक्टिवेट रहेगा, बाकी पैन कार्ड आपके परमानेंटली क्लोज हो जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, सीखते हैं इस वीडियो में कि कैसे हम अपने पैन कार्ड को अपने आधार कार्ड के साथ लिंक कर सकते हैं अपने फ़ोन से ही। तो फ्रेंड, आपको क्या करना है, गूगल पर जाना है और आपको टाइप करना है यहाँ पर ई फाइलिंग। ये देख लीजिए, ये आपको टाइप करना है ई फाइलिंग। जो फर्स्ट वाला सर्च आएगा आपको उसी पर करना है क्लिक। तो इस वाले सर्च पे हम करेंगे क्लिक यहाँ से। इसके बाद वेबसाइट ओपन हो जाएगा, तो ये देख सकते हैं वेबसाइट, ठीक है। इसको करना है आपको डेस्कटॉप साइट, ताकि जो पेज है पूरा कंप्यूटर तक खुले। मैं यहाँ से इसको कर देता हूँ डेस्कटॉप साइट, यहाँ से डेस्कटॉप साइट आपको कर देना है, ठीक है। ये पेज हो गया प्रॉपर ओपन और ये एक पॉपअप मैसेज आ रहा है आपके पास भी आया, तो इसको क्रॉस कर देना, आपको यहाँ से हटा दीजिए, ठीक है। अब आप लेफ्ट हैंड में देखेंगे उल्टे हाथ में आपको दिख रहा होगा लिंक आधार, ये रहा। आपको इस पर करना है क्लिक लिंक आधार पे यहाँ से। इसके बाद आपको यहाँ पे अपनी डिटेल फिल करनी है। पहले में आपको पैन कार्ड डालना है, दूसरे पे आपको आधार नंबर एंटर करना है, तीसरे पे आपको आपका जो नाम है वो आपको यहाँ पे एंटर करना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अपना पैन कार्ड नंबर एंटर कर लेता हूँ। जो भी पैन कार्ड नंबर है वहाँ पर एंटर कर लेंगे हम। इसके बाद आधार नंबर एंटर करेंगे जो भी नंबर है, और आपको अपना नाम यहाँ पे एंटर करना है जो भी नाम यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे एक चीज़ लिखी आ रही है, आई हैव ओनली ईयर ऑफ बर्थ इन आधार कार्ड। अगर आपके आधार कार्ड पे सिर्फ ओनली ईयर लिखा है, ओनली वर्ष लिखा है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ प्रॉपर आधार कार्ड पे है तो उस पर क्लिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे नीचे लिखा होगा टर्म्स एंड कंडीशन के बीच, आपको उस पर क्लिक करना है और उसके बाद कैप्चा कोड आपको यहाँ पे एंटर करना है। तो आप OTP के थ्रू भी कर सकते हो, बट ज़्यादा इजी कैप्चा कोड के थ्रू है। तो जो भी कोड आपको दिखेगा उस टाइम वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। तो मैं यहाँ से कोड एंटर कर लेता हूँ, और कोड एंटर करने के बाद इसको कर देना आपको सबमिट। तो नीचे आपको दिखेगा लिंक आधार, आपको लिंक आधार पे क्लिक कर देना है कोड एंटर करने के बाद यहाँ से, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि आपका जो रिक्वेस्ट है सबमिट हो गया है आधार पोर्टल को। अगर आपको चेक करना हो तो दोबारा आपको होम पेज पे जाना है और वहाँ से स्टेटस चेक कर सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ अभी, होम पेज पे क्लिक करेंगे और दोबारा से वहीं पे क्लिक करना है जहाँ से हम स्टार्टिंग किया था हमने। तो ये रहा आपको लिंक आधार वाला पेज, यहाँ से हमने क्लिक किया था फर्स्ट टाइम। आपको इस पर करना है क्लिक, और आपको यहाँ पे दिख रहा होगा क्लिक हेयर टू व्यू स्टेटस इफ़ यू हैव ऑलरेडी सबमिटेड। अगर आपने ऑलरेडी अप्लाई किया तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, क्योंकि हमने इसको अप्लाई कर चुके हैं। और यहाँ पे आपको डिटेल चेक करना है, तो क्या करना होगा आपको, आपको अपना पैन कार्ड एंटर करना है, आधार नंबर एंटर करना है कि स्टेटस चेक करने के लिए। तो सबसे पहले आपको पैन नंबर एंटर कर लेना है, जो भी आपका पैन नंबर हो। उसके बाद आपको आधार नंबर एंटर कर लेना है, देन आपको व्यू लिंक आधार स्टेटस पे क्लिक करना है यहाँ पे। तो जो भी आपका स्टेटस होगा आपको दिखा देगा। मोस्टली केसों में ये देखिए हैंड टू हैंड अपडेट हो गया है, ठीक है। तो मोस्टली केस में ये हैंड टू हैंड अपडेट हो जाता है। आप देख सकते हो आपका लास्ट 4 डिजिट आपका आधार नंबर आ रहा है, आप क्रॉस चेक कर सकते हो। तो फ्रेंड, इस तरह से आप अपना पैन कार्ड आधार कार्ड के साथ लिंक कर सकते हो।
ठीक है। तो फ्रेंड इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी है तो मुझे आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं, डेफिनेटली मैं इसका रिप्लाई करूंगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।